दोस्तों बात करेंगे जनपद सहारनपुर और जनपद शामली की। दोनों जनपद के अंदर कई चेयरमैन नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के ऐसे हैं जो मोटी मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। मेरे दर्शक कहेंगे क्या जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक क्या बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं सच पर आधारित वीडियो आपको दिखा रहा हूं। सहारनपुर और शामली के अंदर कई चेयरमैन ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, और जैसे कि कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ चेयरमैन ऐसे हैं सहारनपुर और शामली के अंदर जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अंदर सफाई करने के लिए कर्मचारी हैं, कुछ ठेके पर हैं, कुछ राज्य सरकार की ओर से लगे हुए हैं। उनसे वो चेयरमैन अपनी गाड़ी चलवाते हैं, दिन भर शादियों में घूमते हैं, एक कर्मचारी परमानेंट उनकी गाड़ी चलाता है, उनकी गाड़ी की सफाई करता है, और कई सफाई कर्मचारी उनके घेर की सफाई करते हैं और सारा दिन वहीं बैठे रहते हैं, और कई सफाई कर्मी उनके घर के आसपास की सफाई करते हैं। यहां तक कि चेयरमैन ने कई कई सफाई कर्मचारी अपने भाई, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के घर के आसपास, आवास के आसपास की सफाई के लिए लगा दिए हैं, जिससे सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम ये आ रही है कि शहर के अंदर सफाई नहीं हो रही है। और आपने देखा है दोस्तों, अभी पिछले दिनों बीमारियों ने कितने पैर पसारे हैं, गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया, दवाइयां इतनी महंगी है, डॉक्टरों की फीस इतनी महंगी है, और ये सब जो मामले हुए हैं सफाई ना होने की वजह से हुए हैं। एक नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद के अंदर 50 सफाई कर्मचारी हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है पूरे शहर को स्वच्छ रखना और बेहतरीन सफाई करके अपने शहर को, अपने नगर को नंबर वन बनाना। लेकिन नंबर वन जनपद सहारनपुर और शामली में कुछ नगर पंचायत के चेयरमैन और शहर के प्रथम व्यक्ति नहीं बनने दे रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ईओ को प्रेशर में लेकर, जो शासन के अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी, उनको प्रेशर में लेके गलत काम करवाते हैं। अपनी मनमर्जी से सफाई कर्मचारियों को सफाई के लिए कहते हैं कि फला मोहल्ले में लगानी है, फला मोहल्ले में नहीं, हमारे घर के आसपास लगाओ, फला आदमी करोड़पति है, फला आदमी लखपति है, उसके यहां सफाई होगी, वो गरीब की बस्ती है, वो फला बस्ती है, वहां सफाई नहीं होगी। जिस तरीके से ये चेयरमैन गलत काम कर रहे हैं दोस्तों, जैसे निकाय चुनाव में हमने जनता की राय ली और अपने मंच के जरिए आपको दिखाया और बताया कि चेयरमैन कौन बनेगा, अब हम सहारनपुर शामली के हर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद की जनता से बात करेंगे कि ये चेयरमैन जनता के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, ये देश और प्रदेश और नगर के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। और जो सरकार की मंशा है कि स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो, उस गाइडलाइन पर ये चेयरमैन और नगर पंचायत काम कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों आपसे अपील सिर्फ ये है, आप वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपके नगर के अंदर, आपके शहर के अंदर, चाहे अधिकारी हो या चेयरमैन हो या सभासद पार्षद हो, अगर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देखें और हमसे कॉन्टेक्ट करें, जरूर आपकी मदद होगी, आपका शहर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और आपके शहर को नंबर वन बनाने में हमारी टीम और खास तौर से मैं जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। और दोस्तों जो चेयरमैन कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, अपनी मलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जनता की जो राय होगी आपको दिखाने का काम करेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय लिखें और हमारे YouTube मंच का जरूर सहयोग करें, क्योंकि आप हमारी हिम्मत और हौसला हैं। अगर आप हमारी वीडियो को ज्यादा देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे और अपनी राय पेश करेंगे, तो हमें हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, और फिर हम आपके लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।
धन्यवाद।